अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फारूक FSIT न्यूज़ के साथ आप सबका इस्तकबाल करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। Yes, traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories with home appliance, wholesale and retails, Raichur Road near Old Auto Office, Mehboob Nagar। ग्रेजुएट MLC इलेक्शन के नामिनेशन का आज से आगाज। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर के ग्रेजुएट MLC इलेक्शन का नॉमिनेशन का आज 16 फरवरी से आगाज हो चुका है। ये नॉमिनेशन इस माह की 23 तारीख तक हैदराबाद के GHMC दफ्तर में सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नॉमिनेशन के दरख्वास्त लिए जाएंगे और मार्च 14 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी, जबकि मार्च 17 तारीख को काउंटिंग होगी। वाजे रहे कि 5,60,000 ग्रेजुएट वोट्स हैं, 616 पोलिंग मराकज भी कायम किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जी चिन्ना रेड्डी साबिका वजीर को खड़ा किया गया है। BJP से सिटिंग MLA सी रामचंद्र राव को खड़ा किया गया है, जबकि TRS पार्टी की जानिब से अभी तक कोई MLC उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। जबकि आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जी चिन्ना रेड्डी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया और BJP उम्मीदवार रामचंद्र राव की इलेक्शन कैंपेन तेजी के साथ जारी है, जबकि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कांग्रेस पार्टी स्पोक पर्सन हर्षवर्धन रेड्डी ने भी इंतखाबात में खड़े होने की बात बताई जा रही है और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से प्रोफेसर अनवर खान ने भी इंतखाबात में खड़े हो रहे हैं और अपने इलेक्शन कैंपेन भी शुरू की है। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।